तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश स्कोर का सैम्पल पेपर 2020-21 सेशन का, यानी कि इस साल जो आने वाला है ना, 2020-21 सेशन का जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है उसके ऊपर ही होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, इसी सैम्पल पेपर के आधार पर बनेगा। इसमें जो पैटर्न दिए होंगे, इसमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए होंगे, उसी तरह से जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस या पैटर्न जो है आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चंस का तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ पैटर्न का पूरा श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो पैटर्न है ना इस पेपर में, मैं आपको सैम्पल पेपर में दिखाने वाला हूँ, तो वो उसी पैटर्न के अनुसार आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। और शायद हम पहला ऐसा वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर जो कि अभी इससे पहले किसी ने नहीं डाला है, यानी कि आज ही आया है, जस्ट कुछ टाइम पहले ही रिलीज़ हुआ है ये सैम्पल पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा मुझे लगेगा कि मुझे और ज़्यादा जो है ऐसे ही सैम्पल पेपर सबसे पहले आपको देने चाहिए वीडियो बना के। ठीक है, तो देखिए सैम्पल पेपर 2020-21 यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। उसी प्रकार से जो टाइम अलाउड किया जाता है वो 3 घंटे का ही है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लास है वो 12th है। तो सेक्शन ए जो होता है आपका, यहाँ पर पार्ट ए करके दे रखा है 40 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर का पहला ये वाला जो नीचे दिया हुआ है, यानी कि रीड द पैसेज एंड जो पैसेज को रीड करना है और उसके उत्तर देने हैं। तो ये देखिए पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और इसका जो आंसर की होगा ना वो भी मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह है पैसेज आपका, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। और जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, तो जितना हो सके उतना लाइक कीजिए आप। ठीक है, तो ये था आपका ऊपर तक पैसेज। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं, वन ऑफ द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबो पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द 11 गिवन बिलो। यानी कहने का मतलब ये है 11 यहाँ पर दिए हुए हैं, 11 में से कोई जो है 10 के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ये देख ही सकते हैं आप, ये MCQ टाइप दिया हुआ है, इसी पैटर्न में आएगा बोर्ड एग्ज़ाम आपका, आप देख लो। ठीक है, ये दूसरा आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये दूसरा वाला है। ठीक है, 11 टोटल होंगे, 11 में से कोई आपको 10 का आंसर देना है। वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे स्किप करके आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाना है। पाँचवा ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हैं चौथा पांचवा। तो ये आपका टोटल था, और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये विजुअली इम्पायर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, दृष्टि बाधित आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी है इस तरह से कुछ। मैं आपको पूरा का पूरा सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए पूरा, और थोड़ा जल्दी तो स्क्रॉल करना ही पड़ेगा क्योंकि सैम्पल पेपर काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ते रहिए। 10 तक हो गया और ये 11वां है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला। अब आ जाते हैं दूसरा, रीड द पैसेज, आपको ये पैसेज रीड करना है, उसके बाद आंसर्स वगैरह देने हैं। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं ये लिखा हुआ है, और ये वाला पैसेज जो है आपको पूरा रीड करना है। और भी है नीचे, ये दिखाता हूँ, ये ग्राफ है आपका, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ग्राफ है। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता दूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब का जो पेपर है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत जल्दी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो सबसे पहले आपको दिया, उसी प्रकार से उनके वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में हो सकता है हमसे पहले कोई और अपलोड कर दे, लेकिन हिंदी में तो इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ कि हमसे पहले कोई अपलोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है। ठीक है,
अब यहाँ पर पढ़ने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर भी बोला है कोई 10 के उत्तर देने हैं और एक नंबर का एक है, 11 में से यहाँ पर भी 10 के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। ये आप जैसा कि देख ही सकते हैं, यहाँ सारा कुछ दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 11 बोला था तो 11 आपके स्क्रीन पर है और ये 10वां है। एक और बात, इसका जो आंसर की होगा, मार्किंग स्कीम जिसको आप कह सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर विजुअली इम्पैक्ट के लिए, जो मतलब नेत्रहीन टाइप के होते हैं उनके लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उनके लिए भी जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करूँगा इसमें। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड सेक्शन जो होता है आपका, सॉरी थर्ड वाला जो है, यहाँ पर जो है यहाँ पर 20 नंबर का लिटरेचर वाला आ जाता है यहाँ पर, जिसके अंदर लिटरेचर के बारे में जो क्वेश्चंस है उसको आपको आंसर देना होता है, एनी टू देना है 3 जो दिए हुए उनमें से। ये है पहला, ये वाला है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला। उसी प्रकार से आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा, मैं आपको आंसर की का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बार बार ही कह रहा हूँ। बी वाला जो है आप देख सकते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन जो आपको पता होना चाहिए कि जो सैम्पल पेपर है वो भी काफ़ी लंबा है, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही होगा, ठीक है। बट डोंट वरी, आज की तैयारी आज की मेहनत कल रंग लाएगी, तो आज जितना आप तैयारी करेंगे उसकी मेहनत आपका कल रंग लाएगा, ठीक है, इस बात की पूरी श्योरिटी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आगे फोर्थ नंबर पे आ गया आपका, यहाँ पर ये रीड करना है आपको और कोई एक अटेम्प्ट करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, एनी वन, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वही है जो आपका पोएम वगैरह से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा पैटर्न जो है काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। मतलब इसी में एक अथवा दे रखा है, यानी कि मैं वहाँ पे बोला ना कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो एक तो ऊपर हो गया, अब एक जो है नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको, बी ए वाला ऊपर दिखा दिया मैंने आपको, चाहे ये अटेम्प्ट कीजिए या वो वाला अटेम्प्ट कीजिए। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, कोई 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
10 में से, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा दिया हुआ है, कोई 8 इसमें से आप अटेम्प्ट करना है आपको। देख सकते हैं डगलस से भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, वो पार्ट वन था। अब हम राइटिंग सेक्शन पे आ जाते हैं, जो 40 मार्क्स का होता है आपका राइटिंग वाला पोर्शन। इसमें से एनी वन अटेम्प्ट करना है आपको, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना एनी वन, यहाँ पर क्या है ये आप देख ही सकते हैं, ये ड्राफ्ट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट लिखना है। ठीक है, ये पहला वाला जो है ना, इसमें एक एडवर्टीजमेंट लिखना है 50 वर्ड का। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th अबाउट द वर्कशॉप। ठीक है, इन्फॉर्म करते हुए वर्कशॉप के बारे में, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि नोटिस कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अटैम्प्ट एनी वन, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई एक अटैम्प्ट करना है इसमें से, 7th है। इन्विटेशन वगैरह आ रखा है, और आपका दोनों इन्विटेशन दे रखा है। 8th नंबर पे आ जाए, अटेम्प्ट एनी वन दे रखा है, ये पोस्टर होगा मेरे ख्याल से, ये देख रहे हैं ये पोस्टर टाइप ही होता है। क्या लिखा है, वर्ड्स एक्सप्लेन योर कंसर्न, हाँ वही है आपका, ये देख सकते हैं राइट अ लेटर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ए वाला जो है ना, राइट अ लेटर टू द एडिटर द रियल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ लेटर के बारे में बता रखा है, और मैं वो चित्र देख के मुझे लगा पोस्टर मेकिंग टाइप का कुछ आया है। और यहाँ बी में देख सकते हैं, यहाँ पे एक अथवा दे रखा है, यानी कि इन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है आपको, तो बी में देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड टीचर्स, इसमें आपको लेटर लिखना होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये जॉब के लिए है आपका, लोकल न्यूज़पेपर में आपको जो है वो मिला, तो रिस्पॉन्स करते हुए एडवर्टीजमेंट का कि हाँ मैं चाहिए, मैं जॉब कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह से एनी वन यहाँ पर दिया हुआ है। ग्यारहवें नंबर पे देख सकते हैं, अटेम्प्ट एनी टू आउट ऑफ थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर तीन में से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं, तीन देख सकते हैं, तीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें से दो आपको दो अटेम्प्ट करने हैं। और बारहवें नंबर पे अटेम्प्ट एनी वन, इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और 13वें नंबर पे देख सकते हैं, इसमें भी अटेम्प्ट करना है कोई एक। ठीक है, तो ये है आपका जो है पूरा का पूरा सैम्पल पेपर। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सबसे पहले हम आपके लिए अभी के टाइम पे लेके आए हैं, हो सकता है आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, तब तक तो बहुत से लोगों ने अपलोड कर दिया हो, लेकिन अभी के लिए हमने सबसे पहले आपके लिए लाया है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि जो आपका सैम्पल पेपर है वो रिलीज हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।